कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नौ ना जाने मेरा। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। गुरु साहब दी अपार बख्शिश कृपा, गुरु साहब दी संगतां दी थोड़ी सब दी बहुत वड्डा प्यार सत्कार माण ते कृपा कि तुसी साडे वर्गे नमाणे नाचीज इंसानां नूं आई वारी साडे च बड़ियां गलतियां ने, बड़ियां कमी पेशियां ने, पूरे निभ नहीं सकदे कई वारी, मगर जदों पंज साल बाद जदों समा आउंदा तुसी साडियां सारियां भुल्लां दरकनार करके फिर घुट के जिहड़ी साडी बांह फड़न दा काम करदे हो, शब्दां नाल कदे इहदा धन्नवाद नहीं कीता जा सकदा। और मैं अज जिहड़ी गल भी करूँगा ना जी, अज बड़ी दिल तो गल्लां करनी, कई बारी मैं संकोच जाना, कई बारी मैं दब जाना, कई बारी मैं गल करदा नहीं हुंदा खुल के। मैनूं पता अज दे मेरे भाषण तो बाद बड़ा किंतु परिंतु भी होना, मगर अज मैं भी मन बना के आया, मन ये बना के आया कि डर रह कादा गया। डर ये सी कि मापे बजुर्ग ने, डर ये सी कि न्याणे छोटे ने, मगर जदों दा तुसीं दास दी घर दी नूं जिम्मेवारी देती है बनाता है, ते जदों दा मैं अंदर गेड़ा कढ़िया ते डर डर हुण मेरा भी लथिया होया, हुण ठा ठा ही वज्जिया करो जिथे वज्जिया करो। जो आ बालक नूं जिवें पाउंदा गुरु साहब उस तरह करेंगे, मगर गल करन तो कदे गुरेज नहीं करना। मैनू भी पिछले समय च कोई दो तीन बयान जे मैं दिते बड़े, मैनू मेरी माता का भी फोन आ गया, हले तू बाहर हले दो महीने नहीं होए तो तू फिर चल पे। मैं माता हुण तां रोकिया ना कर, हुण और अज इत्थे बैठिया भी यही दास महसूस कर रहा सीगा कि किन्ना लभ जाना। वेखो 117 असीं बणदे हां विधानसभा च, और मेरे जो हालात ऐतकी बनाए गए सितंबर अक्टूबर की दा समा ओ हुंदा जदों सारे ही इलैक्शन की तैयारी करना शुरू कर देंदे, जिन्हें भी इलैक्शन लड़नी है भावें वह विरोधी भावें कोई अपना। तो मेरे नाल यह जी साजिश की गई कि इहदी तैयारी दूजी कर दिओ कि रवे ही ना इत्थे इलैक्शन वेले, और वह शरारत हुंदी हुंदी उन्होंने दाता गल मैं पिछली बारी कहांगा, मकसद सिर्फ इतना सी कि मजीठिया इलैक्शन ना लड़े, होर गल्लां दीआं गल्लां। चलो परचे दा सियालका जी ने भी जिक्र किया कि परचा भी थानूं पता जिहड़ा सब तो माड़ा परचा हुंदा ना, उहनूं गुरु की हाजरी च कई लफ्ज वर्त नहीं सकदे, इह तों माड़ा परचा नहीं कोई पिंड च भी छेती किथे कोई जिन्ना मर्जी एक दूजे का विरोध होवे छेती किथे दिंदा नहीं, मगर मेरे विरोधियों ने मैनूं इत्थे देता परचा देता। चलो मेरा पहले दिन तो मन सी कि मैं जाके सरेंडर कर लूं, मगर कुछ वकील साहब ने अज आए भी है, कुछ होर भी ने, वो मैनू कहिंदे असीं तैनू जमानत दवा देनी है, तेरा परचा झूठा है, तो वह मैनू खिच्चण ते मैं थाने वाले नूं भज्जां ते वह मैनू पछाण नूं खिच्चण, ते मैनू बाद च मैं उन्हां नूं आख्या, मैं कहा मेरी ना रूह नहीं इजाजत दिंदी जिहड़ा काम तुसीं मैनू कहिंदे हो। कहिंदे असीं तैनू गलत काम नहीं कहिंदे, कानूनी प्रक्रिया जमानत लाउण दा एक दा अधिकार है, तू ला, जे नहीं आऊगी तो बेशक जाके सरेंडर कर दी, सानू कोई ओह नहीं। मगर जमानत दे भी तीन पड़ा ने, एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, जे इन्हां तो ना मिली फिर जो मर्जी करी। मैं कहा यार ये तो फिर गल ओही होगी ना कि लुक छिप के रहना पैना, लुक छिप के लिए रहन लई मैं जम्मिया नहीं। चलो अखीर च सब का दौर पै गया और गुरु ने कृपा भी करती कि जमानत मिल गई, तो दास नूं बगैर जमानत मिली कदों जदों नाम जदगियां शुरू सन, मतलब मौका ही नहीं मिलिया सोचण दा कि करना की है। और मैं फिर अखीर च
आई वारी जदों इलैक्शन लड़ी थी ना, शायद थोनू कई पता कई नहीं पता, सियाणप नाल इलैक्शन नहीं लड़ी थी, हमेशा गुरु के चरणा च अरदास बेनती करके इलैक्शन लड़ी थी कि सच्चे पातशाह जे आप जी नूं पाउंदा जे हुक्म हो जाए तो इलैक्शन लड़ लांगे, जे नहीं पाउंदा तो नहीं लड़ांगे। कई समझदे कि इवें चिंबड़ करदे, और उही गल होई, मैं अरदास कराई, गुरु साहब का हुक्म आया, क्योंकि मजीठे लई जिथे पहला नाव लानता सी, जदों मेरा नाव ईस्ट लई लान्या गया, हले मेरी जमानत नहीं हुई सी, मैनू हाई कोर्ट ने रिजैक्ट करती सी, ते असी सुप्रीम कोर्ट जमानत वास्ते गए सा, नहीं भी होंदी ते मैनू शायद उस दिन ही सरेंडर करना पै जांदा, मगर पार्टी ने पिछे ऐलानता, और मेरा कोई इह जा मन नहीं सी थोनू छड्डण दा, क्योंकि मेरे ते आसान थोड़े बहुत ने, मैं थोड़े आसाना थले दबिया होया, और मैनू पता जब मेरे को सवेरे कोई जी आउंदा कि साडे न्याणे नूं साडी बेटी नूं नौकरी ला दे, ते जब मेरे हत्थ खड़े हुंदे आ नहीं मैं ला सकदा, ते मैनू पता मैं किवें आप दे आप च मरदा, मगर मेरे तो झूठ नहीं बोलिया जाता, मेरे तो लारे नहीं लाए जाते, क्योंकि चो नौकरी तो सरकार देन च फेल हो गई है। भगवंत मान साहब तो पहला कैप्टन साहब से जेडे कहिंदे सी घर घर ला दें, भगवंत मान कहिंदा सीगा कि हुण लोग बाहर नहीं जा करनगे, बाहरले गोरे इत्थे आया करनगे, जदों मुख्यमंत्री इन्ना झूठ बोलन लग पैण और उन्हां दे हत्थ खड़े हो जाण, ते एक सधारण जे बंदे ने एम एल ए ने कल्ले ने या साबका एम एल ए ने कित्थे किन्नियां नौकरियां दे देणी, और तुसी सारे मेरे कोल आउंदे हो, जिहड़ा आउंदा कहिंदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अड़ा दे, हुण भाई मैनूं इधर वाला काम नहीं समझ आउंदा है। आ बीबी भी कहिंदी सी, चलो सत्कारयोग है, बीबी कहिंदी हाँ हुण तां मैं बैठी हाँ ते मैनूं सेवा करन दा जी करदा, बीबी जे सेवा करनी है ना ते आ फिर जोड़े झाड़ीए, जे सेवा करनी है ते बर्तन धोईए, ये सेवा नहीं, तू तो मेवा पाल दी, मेवा तो प्रधानगी तो बहुत वड्डी जिम्मेवारी है, गुरु की कृपा होवे फिर मिलती है, एवें नहीं मिल जांदियां ये, मगर वेखो उसनू भी रंग दिता, चलो मैं उन्हां दे खिलाफ नहीं, उन्हां दी आप दी सोचनी है, उन्हां नूं परमात्मा समत बख्शे, मगर हरेक दी आप दी एक सोच आ। जदों दास गुरु घर जांदा पहला जांदे हुंदे सां उदों अकल घट सी, आही भी लाइन लुइन तोड़ के ना चले जांदे सां, हुण जिन्नी यारी मैं जाना मैं कदे लाइन नहीं तोड़दा, मैनूं ढाई घंटे लग जाण, तीन घंटे लग जाण, दरबार साहिब मैं तां लाइन 'च ही लग के संगतां दे नाल ही जाना, क्योंकि जिथे जिहदी बख्शिशां लैण गए आ, जिहदियां खुशियां लैण गए आ, जिहदियां कोलों भुल्लां बख्शाण गए आ, उत्थे भी काली मना, जेड़ी काली है फिर गया काहदे लई आ। और इस गल हौली हौली समझ आ गई, गुरु साहब का कोटन कोट धनवाद है कि समझाता, और कदों तो बाद हमेशा रब के अरदास करी जी कि सच्चे पातशाह गलती ना कर जी किसी। सात संगत जी यही गल मैं लैके आया, चलो ये गल मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, हालात बने और हालात यह जे बन गए कि हिसाब किताब ही नहीं रहा, पार्टी ने उधरों कहता गुरु के चरणा च अरदास बेनती की, गुरु साहब का फरमान आया चढ़दी कला का, और कोई हार समझे, मैं इसनों जित समझदा जब मेरे गुरु का हुक्म हो जाए, हार के भी जितया क्योंकि शायद मैनू ड्यूटी लगी कि जिहड़ा कांग्रेस का प्रधान सी जिन्हों हंकार सी कि उन्हों को हरा नहीं सकता, उन्हों भी बेला करके अज, और रब दे रंग वेखो साडे कोल किहड़ियां ताकतां ने भाई, ना असी ए जी लवाउण लग जोगे, ना डी जी लवाउण जोगे, हले मैनू अंदर गए नूं तां कुछ समां आया सी, भाऊ नाल ही आ गया, मैं तां फिर बाहर आ गया, वो हले भी उत्थे वजदा फिरदा कंधां नाल, ये रब दे रंग ने। ते जिहड़ा दूजा सी जिहदे वास्ते तां हुण सोशल मीडिया च गीत बड़े चलदे आ कि छल्ला मुड़ के नहीं आया चन्नी, उह तां गए भी हो गया, परचे कराउण वाले हालात वेख लो की बन गए, इहदी बख्शिश आ, उहदी रजा, लल्लू खरे कवलियां रब सिद्धियां पावे, मेरे कोल काहदी ताकत है भाई, मेरे ते तां इह परचे कराउण वाले, ते जिहने मेरे ते परचा दित्ता चट्टोपाध्या इक होर है, मैं नौकरी लैणा, एवें फिर चीका मारनगे सवेरे, एक पंजाब छड़ के भज गया, एक नौकरी तो वेला हो गया, ये हालात ने इन्हां दे, चलो रब उन्हां नूं भी समत बख्शे। मगर जिहड़ी गल ते मैं आउणा कि मैं तां ऐतकी तुहाडे कोल वोटां तक नहीं मंगण आया, मेरी घर दी बैठी आ, ये ना पहला कदे मेरी आई वोटां मंगण वास्ते, ये नहीं कि कोई बणदी बुणदी नहीं, मगर कदे कष्ट देण दी लोड़ ही नहीं पई,
मैं वेखा कईयां दा सारा टब्बर हर लल करदा फिरदा ते फिर वेले हो जांदे आ। ते मेरा तो परिवार तुसी आ, तुसी सारी जिम्मेवारियां जे निभा दिंदे हो ते मैनू कहदा फिक्र रह गया। ते तुसी आई वारी ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਿਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵਜਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਸੀ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 22 ਨੇ 21 ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਨਾਡੂ ਖਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਹਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਐਡਾ ਸਰੀਰ। ਆ 500 ਵੋਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, 250 ਵੋਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ CM ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਹਰ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੜੀ ਲੱਤੀ, ਰੱਬ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਆ ਰਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਬੜਾ ਬੋਝ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਭ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪੀ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਆ ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ, ਡਾਲਟਰ ਬਾਬਾ, ਨਿਕੰਮਾ ਬਾਬਾ, ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ, ਆ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਮੈਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਧੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਫਿਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਦੋਹਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸਮਾਨ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਰਾਇਟਸ ਹੋਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ,
छोटे बच्चे नूं भी मारता गया ते उस बीबी दे नाल बलात्कार होया, धक्केशाही हुई, गुनाह होया, कुक्रम होया। साध संगत जी 14 साल बाद वो भी रिहा हो गया, कानून फिर वक्रा हो गया जी, कानून दोहरे मापदंड हो गए। वो 14 साल बाद बार एक ढोंगी बाबा रोज आउंदा बार, ते भाई बलवंत सिंह राजोआना साहब नूं 27 साल। मैनू पता जी जोड़ी गल मैं कह रहा, मेरे ते सवेरे रेड भी हो सकती है, मेरे ते परचा भी पै सकता कि ये क्यों ये सच बोलता, मगर हुण मजीठिया नहीं टलू, बोलू ठोक के बोलू भावें पुट्ठा लमका दिओ, पिछे नहीं हटू सही गल करन तो। जां तां कानून एक कर दिओ, जे गुजरात च रिहाई हो सकती है, जे प्रधानमंत्री दे मरण वालिआं दी रिहाई हो सकती है, ते 27 साल साध संगत जी जिन्हें एक कानून नहीं तोड़िया, 8x8 दी चक्की च रहिंदा, मेरे गुरु दा नाम जपदा, सरबत दे भले दी अरदास नित करदा अठों पैरी, फिर साध संगत जी उहदी रिहाई क्यों नहीं हुंदी, उहनूं परोल क्यों नहीं मिलदा। और इत्थे कुछ सरकारी लोग ने, उन्हां दा जिक्र सियालका जी ने थोड़ा जिहा कीता, जिन्हां दी फितरत बन गई है सिर्फ ते सिर्फ कांग्रेस आ गई ते कांग्रेस नूं खुश करन दा, ते भाजपा आ गई ते भाजपा नूं खुश करन दा। मैं उन्हां नूं सरकारी टाउट ही समझदा। एक जाके उठ के कहिंदा, कहिंदा जी मजीठिया बलवंत सिंह रजवाणा साहब की रिहाई मंगदा, ये सियासत करदा। ते भाई मैं तैनू पुछना चाहुंदा, जदों मैनू मेरे बारे कहिंदा कि उसे कानून ने जिन्हें तैनू रिहा किया ना, उसे कानून ने तू वो भुल गया बिट्टू, जो तुसी कीता सी कातिकाण ते, तुहानू तां एक दिन नहीं अंदर रहना पिया, तुहानू तां वैसे बारो बार हो गई गल, थोनू अज भुल गए वो दिन, मेरा मूंह ना खिलाओ। हमेशा पंजाब दे उल्ट गल करते हो, पंजाब दे हक दी गल नहीं करते। और जे होर गल्लां मैं करन लग गया, अज थोनू थोड़ा भरा कातिया कांड वाला भी कांग्रेस नवाजे, थोड़ा भरा डिप्टी लगे। एक तां हुंदा ना किसे दा जी चले गया, किसे दा जी मारता गया, उन्हूं नौकरी मिली, इत्थे बेअंत सिंह दे परिवार नूं उहदे पोते नूं नौकरी इसलिए दित्ती कि उन्हें इन्ने गुरसिख गड्डी ते चाढ़ते सी, मारते सी, कि उन्हां दे राज च इनसाफ नहीं होया। ते उहदे मुंडे नूं जिहड़ा अनपढ़, जिहदी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं, डिग्रियां भी पूरी नहीं, अज उहनूं डिप्टी लाता। ये दोहरे मापदंड ने। हुण तक नहीं मजीठिया बोलता सी कि मजीठिए दे न्याणे, मजीठिया खुल के बोलू, हुण खुल के बोलू जब तक ये बेइंसाफी बंद नहीं होऊ, ते ना छेड़ो मेरे दर्द नूं, जे छेड़ोंगे ते होर बोलू, चुप नहीं करूं जब तक अंदर दे दिओ, चुप करा दिओ, जिस दिन बाहर आ गया फिर बोलू। ये मजाक बनिया। साध संगत जी अज बच जाओ, पंजाब च जो करदे फिरदे, आ इत्थे कुछ होर भी ने। मैं अज बारे कहना नहीं चाहता सी, हाँ कोई अमृत छकावे मैं हक च हाँ, कोई गुरु वाला बढ़वे मैं उहदे हक च हाँ, मगर मेरे पातशाह ने, मेरे गुरु ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, गुरु की आप अरदास की ना उन्हें चरणा च, की अरदास की, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा पर। भाई जेड़ा गुरु सिख है ना, वो सरबत का भला मंगता, उन्हें मेरी गल का गुस्सा ना कर जो, इत्थे खड़ा कर दो संगो ना, खड़ दो हथ खड़ा, मसीह भाईचारे वाले बैठे तीन चार, हिंदू भाईचारे नाल संबंधित किन्ने जी ने इत्थे, आ इत्थे खड़े आ जिहड़े संगो ना, भाई मैं मरूं थोड़े पिछे सब दे पिछे, इत्थे कुछ बणदे आ आपदे आप नूं। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला साहब को आउंदे आ, भाई संत जरनैल सिंह इक्को सी असी, डुप्लीकेट नहीं बणदा, नकली नहीं बणना, तू नकली है और गलत गल्लां करदा, पंजाब दा माहौल खराब करदा, अज भरा मारू जंग
ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਊਗੀ ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਫੇਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਰਖਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੋਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਖਿਲਾਫ ਮਗਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੂੰਗਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਜੂ ਅੱਗ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਦੇਖੇਗਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਉੱਠ ਖੜ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜਿਆ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਦੇਣਾ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ते गुरु दे दसे होए रस्ते ते चलना ते फिर बड़ा जरूरी है। और मैं ज़्यादा लंबा ना जावा क्योंकि मैं अज भी जो कुछ बोलिया गया हले दे बाद बड़े भंब मचने और भावें सरकारा ने उन्होंने हो जाना कि साढ़े क्योंकि परोल तो सरकार दे रही फैसले हो रहे ने सही हो रहे ने गलत हो रहे ने। राजवाड़ा साहब नू 11-12 साल हो गए जी फांसी ते उन्हों का फैसला ही नहीं आ रहा नवा कानून ही वेख लिया कर दौ भाई जेडे मर्जी पासे नू करना कर दौ 1950 साल जिवें चालका जी जिक्र करके गए आ लिखती आया सी कि भाई बलवंत सिंह राजोवाणा साहब की मौत नू उम्र कैद च बदलिया जाता फिर लागू क्यों नहीं लागू क्यों नहीं। पंजाब वो धरती है जिहड़ी इस देश वास्ते सब तो वड्डा गलवान किन्ने बड़े 18-18 साल के 17-17 साल के पंजाबियों ने शहादत दित्तियां 90-90% शहादत देण वाले साध संगत जी इत्थे कोई उठदा जिन्हां ने पहला क्लीन शेवन मीट आंडा मुर्गा छकन वाले उठ के आउंदे आ बाहरों ते इत्थे कहिंदे खालिस्तान बना दिंदे भाई साहब खालिस्तान एक तो पन्नू जिहा जिहड़ा बाहर बोदी वाला उहदे सिर च मतलब ना पग बन्ने ना भेस सही रेफरेंडम करवाउणा कहिंदा मैं रेफरेंडम करवाउणा भाई जे तू पंजाब बनाउणा खालिस्तान ते अमरीका कनेडा बह के इत्थे क्यों लोगों की जिंदगी खराब करता खालिस्तान इस तरह नहीं बनना खालिस्तान जे बनना तो पंजाबियों ने फैसला करना पंजाबी हर पंजाबी ने चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे मसीह भाईचारे का चाहे मुसलमान भाईचारे का उत्थे बैठिया नहीं भाषण दित्या और अज कोई पंजाबी इस गल ते सहमत नहीं है इस देश के उत्ते देश लई कुर्बानियां दित्तियां ने असी सारिया ने साडे वड्डे वडेरे इत्थे किन्ने बैठे है जिन्हां दे बच्चे फौज च सेवा निभा रहे हैं और बड़े माण नाल निभा रहे अलकड़े साहब का इत्थे आ हुणे ओह शहीद होया सी अपना नौजवान कित्थे गुरवेल सौरी आ बैठे उन्हां दे परिवार का ओहदे नौ ते बुत लग्या हर पिंड च जाके कोई पिंड इह जिहा नहीं जिथे किसे देश वास्ते शहादत नहीं दित्ती मगर ला दिओ लांबू ला दिओ ये फैसले की अमरीका कनेडा ने करने उत्थे हिम्मत नहीं आउंदी थोड़ी बोलण दी आ पन्नू वर्गिया दी इत्थे आके निरा ते निरा लोकां नू भड़का के माहौल खराब करन दी गल चलदी है बच जो साध संगत जी ये सारियां गल्लां तो। और जिवें संत जी भी कहया करदे सन कि मैं खालिस्तान मंगदा नहीं जे सरकार दऊगी उह हुकूमत दऊगी तो बना लांगे ते मैं इस तो गल अगली ते जाना आउण दी गल की बनना जे तुसीं जाओगे जे पंजाबी नहीं चाहुंदे चाहे हिंदू वीर पंजाबी चाहे मुसलमान वीर पंजाबी चाहे ईसाई भाईचारे वाला पंजाबी चाहे सिख भाईचारा जे नहीं चाहुंदा ते ना पाकिस्तान कोलों बनना बैठे पाकिस्तान च देव तेरे दी लै तेरे दी भाषण ते हालात इत्थे जदों न्याणा किसे दा जेल च बंद हो जांदा जां जेल च अंदर चले जांदा जां उहनूं पुछदा कोई नहीं उह परिवार उहदी मां उहदा बजुर्ग साडे कोल आउंदा और असीं उहनूं समझाउण जोगे कोई नहीं। उह 15 साल दा न्याणा सी आ जिहड़ा अंदर देता है मैनूं पिंड भुलदा उन्हें बेचारे ने कला कहता जी कि इस तरह होना चाहिए उस तरह होना चाहिए उन्हें लाइक करती शेयर करता पुलिस उन्होंने फड़ के लै गई मुड़ के सानू 15 दिन लग गए उस न्याणे नू छुड़ाउण लई उह न्याणा हले 15 साल की कुल उम्र का क्यों तुसी आप मापिया के न्याणियां नू रोलदे हो भाई आप तुसी जो करना लै लो जिहड़ा करना जां संगत राजी कर लो मगर पंजाब नू या देश नू वंडण दी तोड़न दी जिहड़ियां साजिशां चल रहियां ने भाई आ जोड़े मेरे हत्थ आ जोड़े हत्थ मैं पंजाब नू बलदा पंजाब च ओ माड़े हालात 80-90 दे वेख के नहीं राजी ते जेड़ा इह जे माहौल बनाऊ सब तो पहला हिक डा के मजीठिया को खलोऊ फिर पहला गोली इधर वजे मेरे मगरों कर लियो जो करना मैं पंजाब च भाईचारक सांझ भाईचारक सांझ और पंजाब दी अमन शांति कानून नू कदे नहीं खराब होण दवांगा और मैं आप दे हिंदू भाईचारे दे वीरां नू मसीह भाईचारे दे वीरां नू मुसलमान भाईचारे दे वीरां नू ते जे तुसी सारे सहमत हो क्योंकि गिनती च तुसी हो देश च आपां घट गिनती च हां
मगर पंजाब च बहु गिनती ते आ ते जे गुरु दे सिखा ते हरेक धर्म की धी भैन की रक्षा करनी, हरेक धर्म की बच्चे का बच्ची का सत्कार करना, ये साडे गुरु साहिबाना ने सानू गुरती च दिता। जे सहमत हो तो मैं जकारा छड्डू कि मजीठे हलके च पंजाब च अमन शांति वास्ते असी वड्डी तो वड्डी कुरबानी देने नू तैयार है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो दस दिओ भाई। मैं बोले सो निहाल। हुण बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते कैमरे इधर नू कर दिओ भाई, जकारे मैं छड्डन लग्या थोड़ी रूह आवाज दवे कि भाई उन्होंने परिवार भी रुलदे आ। वेखो मैं भाई बलवंत उहदी भैण दे न्याणे सी एडे एडे जदों मिलन आउंदी सी ना, वह जिहड़ा जाला जिहा हुंदा ना जंगला जिहा उहदे विच्चों फड़ाउंदे सी, इस तरह उहने न्याणे कहिंदा मैं हत्थ 'च फड़े सी हत्थ 'च। अज उह 21 साल दे हो गए, 21 चले गए, एक बार चले गए कि चली, उह विचारे हले तक उहनूं गल ना ला के मिल नहीं सकिया कि यह इंसानियत है। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ फिर अपने घर च भी रोज अरदास करया करो। जे अपने लिए मंगते हो ना, कदे उन्हां लई भी मंग के वेखो, गुरु भी कृपा करू। ते जे सहमत हो तो मैं जकारा छड्डन लग्या कि आवाज निकले बद्दी सिंघां दी, ते मजीठे हलके च 117 चो सब तो पहला आवाज निकली है। ते हर हिंदू वीर ने, हर सिख वीर ने, हर ईसाई वीर ने, हर मुसलमान वीर ने इस गल दे हमायत की है। तो मैं जकारा छड्डन वाला सारिआं नूं बेनती है, जकारा दोवें हाथ खड़े करके छड्डणे आ कि गुरु साहब कृपा करन साडी। अंत च दास समुचे परिवारां दा, क्योंकि मैनूं पता पाठ तां बड़ी गिनती च वख वख थावां ते तुसीं दास वास्ते कीते आ कराए आ, ते जिहड़े हले पेंडिंग भी है, ते जिहड़ा मेरा भाषण है मैनूं लगदा तुहानूं नवें सिरों फेर ना कराउणे पै जाण, इस लई इकट्ठे ही करा लिओ जिहड़े कराउणे आ। मगर जिन्हां ने अज कराए उन्हां सारिआं दा सा लाभ सो बग्गा जी दा, तलवंडी खुम्मण वाले गुरविंदर पाल दा, सुखविंदर जी दा, अलकड़े वालिआं बाजवा साहब दा, चेयरमैन साहब दा, अबदाला तो सतनाम सिंह जी होरां दा, कैरोनंग तो वीर सो सरजी सो, इक तां मेरा सिक्योरिटी अफसर है, भाई तूं तां फिर शुरू हो जा जिहे जिहा भाषण छड्डिआ कदे तैयारी, मनदीप सिंह सरपंच दा, तुहाडा सब दा अखीर च देखो नी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी जित नूं छोटा मोटा ना समझ लिओ। 122 मैंबर सानू आई वारी पैंदे, और वेख लो इको बाबा फेरन लवली बाबा, फेरन लवली बाबा समझदे ना किहड़ा किहड़ा? आ देख जगवंत बड़ा तेज आ, कहिंदा दादू वाला। ये पहला तो बीबी वास्ते जेड़े लफ्ज वरतदा सी, मैं 28 दिखाई उहदी वीडियो, उहनूं कुड़ी मार, लड़ी मार, पता नहीं की कुछ कहिंदा सी, ते ऐतकी कहिंदा पा दिओ वोटां, इहें जिहां तों बच जाओ जिन्हां दा दीन मजहब ही कोई नहीं। सवेरे बयान हो रहा, दुपहर नूं हो रहा, बनाया हुड्डे ने मैंबर SGPC ते चढ़ गया भाजपा दी गड्डी, ते कल कोई होर आ गया ते उदों पता लग रहा भाजपा वालिआं नूं कि हो गया हो गया हो गया साडा बाबा। भाई ਇਹ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਲਈ।
कांग्रेस के तीन मैंबर ने मैं नौ लैके दसन लग्या कि किसी भुलेखा ना रह जाए। परमजीत सौर रायपुर नाल बैठा सी एक बीबी दे नाल फोटो ते एक काका लोहगढ़ जिहड़े धर्मकोट तो इलैक्शन लड़ते ने एम एल ए सी अस्तारा च ते तीजी बीबी जसपाल कौर ने महाराज तो समुची कांग्रेस ने बीबी की मदद की। वो कांग्रेस जिहड़ी श्री हरिमंदर साहब ते अटैक करावे, वो कांग्रेस जिहड़ी दिल्ली च जाके सिखा की नचल कुशी करे, साडिया धियां भैणा की इज्जत रोले। और अज तक वो इंसाफ नहीं मिलिया। दोहरे मापदंड कानून की मैं गल कर दोहरे दंड, उन्होंने मदद बीबी ने ली, बीबी जवाब देना पैना। भाजपा ने थोड़ी मदद की, नोटा का सहारा तुसी ले लिया, तो भाई असी तो बेसहारे सानू सहारा सी साडे मालक का जाए पंथ का, तो तुसी चढ़दी कला कराती। तो बीबी जी गुस्सा ना कर जो, मैं शाम तक तुम कोई ना कोई बयान, मगर मैं जे सेवा करनी आ तो आप सवेरे टाइम बन लिया करांगे, असी भी आया करांगे, साडियां भी भुलना बख्शाइया जाणगियां, थोड़ियां भी जाणगियां। जोड़े झाड़िए, झूठे बर्तन धोइए। सियालका जी ये सेवा नहीं, बीबी तू तो भालदी सी मेवा नहीं मिलिया, रब का हुक्म नहीं सी, इसलिए ना करो गुमराह लोगों नूं। बाजो थोड़ी संगत का सब का भाई, जे वध घट बोलिया गया होवे, अज थोड़ा बोल लम्मा चल गया प्रोग्राम, क्योंकि कट्ठे बड़े चिर मगरों होए सन, पता नहीं हुण जिहड़ा कुछ बोल छड्डे कदों कट्ठे होवांगे। इसलिए भरा जे मेरी गल नाल सहमत हो तो तुसीं कचकारा छड्ड दिओ, मैं डूंगा मैं वेख लां जे सहमत हो। हुण सारिआं ने कड़ा प्रसाद लै के पहला गुरु महाराज की सवारी जाऊ, फिर आप हिलना। और सारिया ने लंगर छक के, लंगर च भी अज खीर तो नहीं कुछ तैयार होया, जहेदारा महाकाल ते तू नाल जाना मेरे, हुण जिथे जाना ठीक है जी। वो चले गया मुनीम, चले गया उन्होंने, तो कई सौदे सूदे मेरे चढ़ाने होंगे भी, भैन जी बैठे मैं घर वाला सवेरे, थोड़े घर वाले की गल मैं सवेरे की करता है मेरे न, मैं गड्डी चलाउन डिया सी, हुण जद वेलना भाई ड्राइवरी करूंगा ना, ते मैं सेवा की गड्डी चलाउन डिया सी, कहिंदा आ काम तां तू मैनू दे, आहो आ काम भी तू लै जा, मैनू गोरा वेला ही कर छड, मैं मगर जोगा ही रह जा, वेख लो काम इना दे। हुण आउणा आप तां भज गया भाई, इत्थे आ भैन जी नूं साडे नूं तुसीं समझाया करो ना मेरी ड्राइवरी दे। अज ड्राइवर नूं भी सरोपा मिल गया, की गुरु कृपा जदों करनी होवे ते सुत्ते पे ते भाग जगा देने। इसलिए सारा दा थोड़ा दा बहुत बहुत धन्नवाद, भुल्ला चुका।